ईद पर लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है। भाजपा की सरकार है, पहले भी इस तरह की बातें आई थी कि सड़क पर बैठकर नमाज नहीं होगी। क्या मानना है आपका इसके ऊपर? देखिए, त्यौहार सभी धर्मों का सर्वोपरि त्यौहार होता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। लेकिन त्यौहार मनाते वक्त ये देख लेना चाहिए कि उनके त्यौहार से किसी को असुविधा ना हो। हिंदू धर्म में होली भी आती है, दीपावली भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरा देश त्यौहार मनाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को असुविधा हमारे त्यौहारों की वजह से नहीं होती है। अगर किसी और धर्म के व्यक्ति की त्यौहार में असुविधा होती है आमजन को, तो निश्चित ही वो नहीं होनी चाहिए। और सड़क अगर ब्लॉक होती हैं, आस्था है तो आस्था के लिए एक उचित स्थान है, वहाँ पर जाके उसको वो करें। रोड वोड जाम नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, बुलंदशहर पहले एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा है। इज्जत माँ का आयोजन आप सब ने वो देखा, और उसमें आज भी करीब 35 लोग जेल काट रहे हैं जो निर्दोष लोग थे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ देन जो रही वो धार्मिक आयोजन इज्जत माँ के कारण हुई। एक इंस्पेक्टर की मौत हुई, एक नौजवान की मौत हुई और 35-40 लोग अभी भी जेल में हैं, बाकियों को अभी पुलिस तलाश कर रही है। तो ऐसी घटना दुर्घटना आगे ना हो, आपकी जो आस्था है, त्यौहार है, उनको हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन ऐसा उसमें व्यवस्था बनाएं कि किसी को असुविधा उससे नहीं होनी चाहिए।